हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है काली चौदस, और काली चौदस के दिन पता नहीं इतना कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या बनाऊँ खाने के लिए, क्योंकि इतने सारे वेजिटेबल्स फ्रिज में पड़े थे और वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए मुझे कुछ सोचना था, स्पेशली थोड़े एक्जॉटिक वेजिटेबल्स थे। तो यहाँ पे है रेड बेल पेपर्स, जिसको मैं अभी चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मिक्स सोच रही थी कि क्या मैं मैक्सिकन राइस बनाऊँ कि मैं कुछ ग्रेवी बनाऊँ। फिर ये है जुकीनी। हाँ, तो मैं वही सोच रही थी, राइस तो करना ही है क्योंकि वो इजी पड़ेगा, जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि दिवाली के टाइम पे इतने सारे काम रहते हैं कि जो फटाफट बने और फिलिंग हो, पेट भी भरना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स थे, जुकीनी, बेल पेपर्स, वो सब चॉप किए। फिर इसके बाद बेबी कॉर्न भी आएगा, तो फिर मैंने सोचा कि बेटर है कि मैं चाइनीज़ राइस बनाऊं, बट उसको थोड़ा सा वेजीज का ट्विस्ट दूं कि सारे वेजीज भी यूज़ हो जाए और सबको अच्छा भी लगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं बटर गार्लिक मिक्स वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाऊं। मिक्स वेजिटेबल क्योंकि बहुत सारे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं और बटर और गार्लिक डाल के ही ये बनेगा राइस। तो इसकी रेसिपी मैं अलग से आपको शूट कर, मतलब मैंने अलग से शूट की थी, तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, बट एक दूसरे ब्लॉग में। आज ये बस मेरा फुल डे क्या रूटीन है, मैं क्या कर रही हूँ वही आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सब चीज़ें चॉप करने आ रही है। बीच बीच में नाइफ की धार कम हो रही थी, तो जो शॉपिंग बोर्ड है उससे ही मैं थोड़ा सा उसको घिस रही थी कि आ जाए। तो यहाँ पे तीनों बेल पेपर्स हैं, और ये था वीबा का थाई करी सॉस। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं अलग से थाई करी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि हमारे घर में किसी को भी ये टेस्ट अडेप्ट नहीं है, क्योंकि वो कोकोनट बेस्ड है। ये है बेबी कॉर्न, तो ये भी ले रही थी, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बेबी कॉर्न, कौन से भी ज़्यादा इसका टेक्सचर और फ्लेवर बहुत रॉ और मस्त आता है। फिर लास्ट में आता है प्याज, जो रुला देता है, तो प्याज भी बारीक कट कर लिया है। मुझे बताना कि आप लोग क्या बनाते हो ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। शाम को तो स्पेशल ही बनने वाला है कुछ, तो आपको आगे आगे देखने मिलेगा। बस यही था, और साइड में मैं एक्चुअली राइस को भी स्टोर कर रही थी कि बैठ ना जाए, थोड़ा सा मुझे खिला खिला राइस चाहिए, इसके लिए ध्यान देना पड़ता है। और ये है गार्लिक, तो इसे मैं पील कर रही हूँ अच्छे से। जब भी मैं गार्लिक पील करती हूँ, मेरी एक बहन है याशिका करके, उसकी याद आती है, क्योंकि वो हमेशा बोलती है कि मुझे गार्लिक पसंद है ना। तो ये है गार्लिक फ्राइड राइस, मतलब बटर गार्लिक फ्राइड राइस विथ वेजिटेबल्स। और ये मैंने बाहर से ऑर्डर किया मंचूरियन ग्रेवी, क्योंकि बहुत ड्राई लग रहा था, तो इट्स ओके, कभी कभी चलता है, बट ये दोनों कॉम्बो डेडली है। और ये राइस तो बहुत, मतलब बहुत ही मस्त बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद मैं और मेरी नेबर आ गए रंगोली बनाने, क्योंकि लास्ट डे का था धनतेरस का, तो वो हटा के ये सिंपल रंगोली बनाए। रंगोली अच्छे से हो चुकी है, और अभी हम बना रहे हैं वड़ा, क्योंकि गुजराती में मोस्टली हम आज काली चौदस के दिन वड़ा संभर या फिर दही वड़ा बनाते हैं। तो वो जो वड़ा है वो मेदू वड़ा का वड़ा रहता है, बस हम शेप नॉर्मल देते हैं, बट वो फटाफट बनता है, हम यूज टू नहीं है वो शेप के, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग ने दाल पीस ली है, तो ये उड़द की दाल है, सिर्फ और सिर्फ उड़द की दाल है, और इसको 3 से 4 घंटे पहले ही भिगोया था, बस अभी इसको पीस लिया। अभी इसमें करेंगे मसाला, नमक एकदम स्वाद अनुसार, ग्रीन चिली पेस्ट, अब ये तीखी वाली ग्रीन चिली है, अदरक, फिर अदरक की पेस्ट, धनिया बारीक कटा हुआ, खाने का सोडा या फ्रूट सॉल्ट या फिर इनो, जो आप बोलो, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और इसको ना फेटना है, जितना अच्छे से फेटोगे ना, क्योंकि इनो डाला है, उतना सॉफ्ट होगा। और वो ट्राई करने के लिए ड्रॉप कीजिए, देखो ये अभी ऊपर आ रहा है ना, ऐसे तैर रहा है, मतलब कि ये परफेक्ट है,
जैसे तैर रहा है मतलब कि परफेक्ट है। इट इज रेडी टू फ्राई। नाउ इट्स रेडी टू फ्राई। थोड़ा सा बीच बीच में मिक्स करेंगे यानी कि स्टर करेंगे तो गोल्डन थोड़े से हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, यही टेक्सचर और यही कलर चाहिए, ज़्यादा ओवर मत फ्राई करना। तो रेडी है हमारे वड़े और यहाँ पे रेडी है सांभर जो कि बहुत बहुत ही टेस्टी है। इसी के साथ आज का ये दिन समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं दिवाली के दिन। आप सभी को हैप्पी दिवाली और आपका ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए, हो सके उतना फैमिली के साथ रहिए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जो है हितेश रिजानी। बाय गाइज़।